तो भाई लोग तीन सवालों के जवाब चाहिए हमको, क्या महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस्तेमाल करके फिर से हमारा काटा? इंडिया में बॉस दो चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं, एक सिनेमा और दूसरा क्रिकेट, और सोचो जब दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या होगा। होगा ये कि एक छोटे बजट की स्मॉल फिल्म फाइटर जैसी फिल्म को एडवांस बुकिंग में पीछे छोड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर देगी। बात मिस्टर एंड मिसेस माही की हो रही है, जिसने सिनेमा डे पे सिर्फ 99 रुपीज में टिकट का लालच देकर 2 लाख से भी ज्यादा सीट्स को फुल कर दिया सिर्फ नेशनल चेन्स में। चलो थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन एक्सपेक्टेशन फिल्म के कंटेंट से वो कितनी खाली कितनी फुल। सिवाय माही जो वर्ड यूज हुआ है, और दूसरा मूवी के स्टार्टिंग में स्पेशल थैंक्स दिया गया महेंद्र सिंह धोनी, तो आई वाज लाइक ओ क्या दिखाई देंगे। दिखाई तो दिए, लेकिन सिर्फ उनका एक पोस्टर जिसमें वो वर्ल्ड कप हाथ में लिए हुए थे, ये वाला फोटो बस। लेकिन वियर्ड वाली बात तो ऐसी है कि उनके बाद स्पेशल थैंक्स में अगला नाम आता है दिनेश कार्तिक का, और वो मूवी में आपको याद होगा सालों पहले नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई थी भयंकर एकदम, गुंजन सक्सेना, और उसी के डायरेक्टर शरण शर्मा ने ये मूवी बनाई है। और इस मूवी को देख के मैं शॉक हो गया, भाई क्या सच में ये गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर ने बनाई है। मूवी में नेगेटिव ज्यादा नहीं कुछ है, लेकिन सबसे पहला पॉजिटिव, मूवी रोमांस स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसका रोमांस तो मुझे फील नहीं हुआ, स्टोरी वही टिपिकल है, लेकिन क्रिकेट इतने डिटेलिंग के साथ क्रिकेट दिखाया कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े कोचेस ने मिलके इस मूवी को बनाया। एट द सेम टाइम जब जानवी कपूर का हस्बैंड अपना राजकुमार राव जो उसको ट्रेनिंग देता है, तो उस ट्रेनिंग की डिटेलिंग, भाई ऐसी डिटेलिंग मैंने सिक्सर वेब सीरीज में देखी थी, फिर घूमर मूवी के अंदर देखी, फिर इकबाल में देखी थी। 4 रेड कलर के पोल लगे हुए, बीच में मिसेज माही खड़ी है और उसको कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करा, और जानवी कपूर मैडम सल्यूट है आपको, एक्टिंग आएगी कभी ना कभी, एक्टिंग आएगी, लेकिन क्रिकेट तो आपने सीख ली। और दूसरा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा इस पूरी पिक्चर में, बेटा महेंद्र और पिताजी का कैरेक्टर प्लेड बाय कुमुद मिश्रा। क्यों? क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन, इनके रिलेशन को भी अच्छा खासा टाइम दिया। मिस्टर राव का कैरेक्टर जिंदगी में कहां पे है, डिसअपॉइंटेड है तो क्यों है, और वो जो चीज चाहता है उसके पीछे का एक बड़ा रीजन उनके पिताजी है। मिस्टर एंड मिसेस माही को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पहला, सिनेमा फॉर ऑल, कोई स्मार्ट ऑडियंस बनने की जरूरत नहीं है, टिकट खरीदो, फिल्म को एंजॉय करो। दूसरा, फटाफट स्टाइल में चलने वाला सुपर फास्ट डायरेक्शन स्टाइल, क्रिकेट और लव लाइफ के बीच में रिवेंज और फैमिली ड्रामा, बोर तो नहीं होगे। तीसरा, राजकुमार जानवी दोनों ने एफर्ट्स मारे हैं, कहानी सिंपल जरूर है और उतना ही नेचुरल इन दोनों का परफॉर्मेंस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। नेगेटिव में आप जानते ही हो यार, फिल्म देखी दिखाई सी है, शुरुआत से लेकर एंडिंग सीन सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, जीरो सरप्राइजेज। और दूसरा, जो क्रिकेट वाला एंगल फिल्म में डाला है ना, वो कहीं कहीं पे थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है, परियों की कहानी जैसा जादू सिनेमा में अटपटा लगता है। तो यार ये फिल्म ना तो ग्रीन लाइट है और ना ही रेड लाइट, एकदम बीच में येलो पकड़ के चलो। 99 में थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए तो टिकट बुक करिए। ओके।